हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के जैसे कि पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, इस विषय पर बात करेंगे। तो यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो सिर्फ बनाएं नहीं, वो सर्च लिस्ट में कैसे आएगा, तो चलिए पूरा प्रोग्रेस करके दिखाता हूँ आप सबों को। तो वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और थोड़ा सा कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों का मोबाइल में एक ईमेल आईडी रहना ज़रूरी है, और वो तो सभी के फ़ोन में होता ही है, लेकिन मैं मोटिवेट करूँगा कि एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लें। और जीमेल आईडी क्रिएट करना नहीं आता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। मैं इस पर भी बनाया हूँ कि जीमेल आईडी कैसे बनाया जाता है, जीमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बातों को लंबा ना करते हुए वीडियो में शुरू करता हूँ। चलिए सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जाना है। यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद नीचे कोने में प्रोफाइल पिक्चर दिखता होगा, तो वहाँ क्लिक करें। तो मैं जैसे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर सेटिंग का आइकॉन दिख रहा होगा कोने में, तो सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर अकाउंट दिख रहा होगा, तो अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो जीमेल आईडी न्यू बनाए होंगे तो वो आप लोग यहाँ मतलब कर लें, इंटरफेस कर लें। तो मैं अपना न्यू जीमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं बनाया हूँ न्यू जीमेल आईडी, तो मैं इस पर इंटरफेस कर लेता हूँ। तो उसके बाद कुछ ऐसा इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद नीचे फिर से प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ऊपर क्रिएट ये चैनल पे क्लिक करना है, जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा क्रिएट ये चैनल, उस पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर चूज करना है। तो अभी मैं कोई सा भी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता हूँ, तो आप लोग भी अपना कुछ बढ़िया सा प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए और फिर बाद में बदल भी सकते हैं। तो गैलरी पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो में जाके अपना कोई पिक्चर लगा लें। तो मैं अपना कोई प्रोफाइल पिक्चर कुछ ऐसा जैसे कि लगा लेता हूँ, फिर बाद में आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सेव पर क्लिक करें। सेव प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद नेम चूज करें, तो सेकेंड नंबर पर दिया है नेम। तो नेम आप लोग जो रखना चाहते हैं अपना चैनल का नाम, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ टेक्निकल बिट्टू 2.0, आप लोग जो रखना चाहते हैं टेक्निकल बिट्टू, बिट्टू ब्लॉग, बिट्टू वीडियो, बिट्टू कॉमेडी, जो रखना चाहते हैं आप लोग अपना नाम से रख लीजिएगा। तो यहाँ रखने के बाद ऊपर आप लोग सेव कर लें। ऊपर सेव पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा हैंडल। तो हैंडल में क्या करना है कि हैंडल होता है कि जो आप लोग वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, या फिर कोई सर्च करेगा तो हैंडल डाल के डायरेक्ट आप लोग का नाम सर्च कर सकता है। तो मैं नीचे हैंडल आप लोग एडिट कर सकते हैं अपना कुछ है। तो हैंडल पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो ऊपर नाम रखे वही रख दीजिएगा नीचे। तो मैं भी वही रख दिया हूँ टेक्निकल बिट्टू 2.0, और स्पेस ना दें। तो फिर से ऊपर सेव करने के बाद नीचे क्रिएट चैनल पर क्लिक करें। क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। चलिए देखते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा फिर से। तो फिर से प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करें। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ऊपर जाना है व्यू चैनल, उसके बाद ऊपर जाना है व्यू चैनल पे क्लिक करना है। तो व्यू चैनल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद देख सकते हैं आपका चैनल कुछ इस प्रकार का क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ अभी चैनल बना है, चैनल इसको सर्च लिस्ट में कैसे आएगा, वो कैसे लाएं, तो चलिए इसके लिए कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो फिर वो होगा क्रोम ब्राउज़र से। तो चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद कुछ इस प्रकार क्रोम ब्राउज़र के एप्लीकेशन को सॉरी कुछ कुछ इस प्रकार क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करें, ऊपर कोने में थ्री डॉट पर क्लिक करें। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करें, जैसे कि दिखा देता हूँ। नीचे डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करना है, यहाँ डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करना है। तो डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन कुछ लैपटॉप की तरह दिखने लगेगा, या फिर
पीसी की तरह जो बोले। उसके बाद ऊपर सर्च लिस्ट पे जाके सर्च करना है YouTubeStudio.com। तो चलिए यूट्यूब मेरा सर्च कर लिया हूँ, तो मेरा अभी इधर नीचे है, तो इस पर क्लिक करें। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन, जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ऐसे जूम कर लीजिएगा, उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चलिए आप बताते हैं कि यहाँ क्या प्रोग्रेस है। जैसे कि तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है ये है आपका पैसा कौन सा ऐसा मतलब करेंसी में बनेगा। तो मेरा अभी इधर डॉलर है, तो इस अभी इसमें यही रहने देते हैं। इसके बाद नीचे क्लिक करना है चैनल वाले ऑप्शन पे, नीचे दिख रहा होगा चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट में दिया यहाँ अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें बेसिक इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ अपना कंट्री सेलेक्ट कर ले, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना कंट्री। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से अपना कंट्री सेलेक्ट कर ले, तो मैं कुछ सेलेक्ट कर लिया अपना कुछ इस प्रकार से अपना कंट्री। उसके बाद नीचे देखिए दिया है, नीचे दिया गया है कीवर्ड, तो नीचे दिया गया है कीवर्ड। तो कीवर्ड में आपको डालना क्या है कि आपको कौन सा नाम से सर्च करेगा आदमी, कौन सा मतलब आप कुछ ऐसा नाम रख सकते हैं कि आपका सर्च लिस्ट में नेम मतलब जो डाले आ जाए कोई भी डाले तो फिर आपका नेम से निकल सके। तो मैं जैसे कि अपना डाल लेता हूँ नेम, जैसे कि मेरा चैनल का नेम है टेक्निकल बिट्टू 2.0, तो सबसे पहले वही डालता हूँ टेक्निकल बिट्टू 2.0 करके मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप डाल सकते हैं यहाँ मतलब टेक्निकल बिट्टू 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 करके आपको आदमी मतलब कोई कौन किस नाम से सर्च करेगा ऐसा, फिर टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल बिट्टू ज्ञान, तो आप लोग डाल ले 4-5 तरह का, सिर्फ मैं तो 3 डाल लिया हूँ अभी फिलहाल। तो फिर जाना है सेटिंग में, उसी के बाजू में दिया गया है एडवांस सेटिंग। सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था। उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में करना क्या है आप लोगों को कि यहाँ दिया है 3 आइकॉन दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे जूम करने के बाद, तो तीनों में से आप लोगों को उतना कुछ मतलब नहीं है इसमें कुछ उतना ज़रूरी, इसलिए मैं इसको तीसरे ही में रहने देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को चल जाना है फ्यूचर, उसके बाद चले जाना है आपको फ्यूचर एलिजिबिलिटी में। तो उसमें जाने के बाद इनेबल करना है 3 इन्हें से 11 इनेबल करना है। तो मैंने दो एक रहता है किया ही हुआ, दूसरा कर लेना है। तो दूसरा करने के लिए यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर भी फ़ोन नंबर पर क्लिक करें तो वो हो जाएगा। उसके बाद तीसरा खुद बाय खुद हो जाता है। तो उसके बाद इतना सेटिंग करने के बाद सेव कर लें। सेव करने के बाद आपका आईडी पूरा तरह से बन के तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वहाँ क्या करना है। तो YouTube चैनल पे जाने के बाद फिर से YouTube एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपके अपने आइकॉन पे क्लिक करना है। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद व्यू चैनल पे क्लिक करना है। व्यू चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट है, यहाँ से फिर आप लोग अपना कुछ भी वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो आप